तशरीफ रख गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठ जाते हैं। पठान का तक हजूर सारी रात, कम से कम सारी रात महाराज बैठ जाते, दरवाजा लगा देता, खादम होने ही आता है कह के पठान बाहर निकलता है। गुरु साहब ने इन हजूर ने सोचा कि थोड़ी देर इहदा प्यार मैनू दसदा है, इहदे शब्दां चों मैनू सुगंध आती है, इहदी गुफ्तगू विचों मैनू निकत आती है कि मैनू थोड़ी देर घर रखेगा। तो महाराज ने अपनी कमान ला ली गल विचों ते कीली टुंग ली, हाँ खंडा उतारिया ते कीली लटका ली। सच्चे पातशाह ने कमर कसा भी इहदी गठ भी ढिली कीती, उस तरह बैठे ने वाह वाह। पठान अपने घरवाली कोल जाके उन्हें सिर झुकाया, अदब किया, लगरां वर्गियां बाहां मुमताज बच्ची ने अपने पिता के गल विच पा दित्तियां, ढिड ना लग गई। दोनों जनिया कौन सी थोड़े नाल, कौन सी? पठान चुप है। कौन सी? जिस वेले तुरदे सन उन्होंने कदमों के मोहरे मोहरे नूर जाता सी, रोशनी जाती सी। धी ने इदा पछाणिया, पछाण नहीं सकी की है, पर इदा जापदा सी जिवें एक नूर ने मनुखी ढांचा अख्तियार किया, मनुखी मुजस्मे विच हो गए। अब्बा जान कौन सी थोड़े नाल? आखन लगा आप, आप ही आप, खुदावन ताल है साढ़े घर, खुदा आया, अल्लाह आया, रब आया। हाँ दिए रब आया, मैं भी देखना ही। ये तो ना दिसदा बड़ियां नमाजा पढ़न तो बाद, रोजे रखन तो बाद, नेकियां करन तो बाद, ज़ियाफ़तां देन तो बाद, नेकी दे कर्म करन तो बाद भी ना मिलदा। जे साढ़े घर आ गया है तो मैनू छेती चलो। घरवाली भी बजिद होई, कहंदे ने हौली हौली। तो पठान ने एक गल आखी, बहुत ही अच्छा गाँदा है, बहुत ही अच्छा गवैया है, खुदा गाँदा भी है। तिने जने रल के इधर नू जांदे ने, पर मलकड़े मलकड़े, खड़ाक ना होवे, खलल ना पवे। कई बार ऐसा होंदा है, कई बार ऐसा होंदा है, संगत जी दरवाजे ते दस्तक दीती, कोई लिखारी अपने लेख नू संपूर्ण करन ले जुड़िया है, कोई गवैया अपने तान पलटे ते सरगमा विच जुड़िया है, कोई बुरश दा कम करन वाला दरवाजा पेड़ के बुरश नाल कोई मुसव्वर तस्वीर बना रहा है, दरवाजे ते दस्तक दे के एक सज्जन छेती करो जी, छेती जरा, ए बिट फास्ट प्लीज। दरवाजे ते दस्तक दे के एक जाने पछाने बंदा अंदर, पिछा वेख के सारी सुरत इधर आ गई। अच्छा आयो? हाँ मैं आया हाँ। कि अज तुसी घरे ही सो, कल्ले सो? मैं कहा कि थोड़े कोल चलिया जावा, तुसी कल्ले सो? आखन लगा पहला तो नहीं, हुण तेरे आए तो कल्ला होया। पहला कल्ला नहीं सी, कला मेरे नाल सी, आर्ट मेरे नाल सी, गुण मेरे कोल सी, गुणी दी एक किरण, सब गुण तेरे, हर गुण ओदी किरण है वाहिगुरु दी, परमेश्वर दी। कला मेरे कोल सी, पर हुण तेरे आए तो मैं कल्ला होया। कई बारी इदां भी हुंदी, हौली जायो, ओदी रजा विच दखल ना देना, ओदे आराम विच मुखिल ना होना। हाँ इउं कौन बैठा है जी? ये तिन्ने जी करदे हौली हौली उधर नूं तुरदे ने। सतगुर सच्चे पातशाह ज्यों ही आनंदपुर तों महाराज निकले ने, अज पहला दिन है कि किसी मकान विच आप नूं बैठन दा सुभाग मिलिया, जिहदे महल जिहदियां अटारियां गगना नूं चुम्मदियां सन। अज ओह गुरु पहले दिन एक पठान दे घर विच छत थले बैठा है, वाह तेरे रंग। पर आओ जे पछाणना है ते इस दी पछाण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच गुरु अर्जन देव जी ने कही है। कौन है जी सतगुरु? आओ सुनिए जी। सतगुरु ने I'm
परछावे वांग मुसीबत भी नाल नाल ही चल रही। वाह मालिक मालिक बेटा आहिस्ता। पठान पठानी ते इन्हां दी बचड़ी सरू कद्दी थी मुमताज बेगम हाले बरामदे विच ही हैं। हौली बाहर नौकर आया गेट तो बूहे तो डेड़ी तो नौकर आया। बेटा हौली खुदा गा रहा खुदा मौसीकार है साढ़े घर विच महक खिलर गई है। मुमताज पिता कोल होके आखन लगी मैनू अंज जापदा है करदा हर बुला हवा दा हर बुला करदा हर जर्रा महक उठ्या है बहु बुहा उठ्या है लिखित नाल भरपूर हो गया है। पंजाबी दे एक महान लिखारी दी लेखनी चों एक सतर लिखण आ रहे हैं आप विचों सुनिया होवेगा बलवंत गार्गी इंटरनेशनल फेम दे पुरश ने बलवंत गार्गी कहिंदे ने गरीब दी कुली विच साजन आ गए ते ओ महकां नाल मुश्कां नाल सारी भर गई ते उन्हें आख्या चंदन समान होया कुली दा तीला तीला। इदां ही आखदी है मुमताज अपने पिता नूं मैनूं अंज जापदा है साढ़े घर की हर इट विचों महक आँदी हर बुला महक गया है चंदन समान होया कुली दा तीला तीला आया है किस तरफ तो यह महकदा हुलारा। हाँ बचिए ठीक आँदी ये आप महकां दा केंद्र है ये हुक्म अंदर सारियाँ सारी कुदरत सारी कायनात सारी उपज कम कर दी। नौकर ने आ पठान पठानी ते ओदी ती तिन्ने खड़े ने नौकर देवड़ी तो आया ये एक कदम पिछे होके बच्चा क्यों आया पैरा सख्त पैरा बना दियो अलर्ट रहो बेदार रहो रात बड़ी नेरी है। आका देवड़ी दे उत्ते 5-7 घोड़सवार आए ने सिपाही आए ने फौजी आए ने राइफलां उठाइया हुई ने आखन लगे ने असां पट्ठे तो आए हाँ पठान दे पट्ठे तो सरदार दे पट्ठे तो नौकरां तो पुछ के आए हाँ पथेरियां तो पता लगा है कि पट्ठे ते 2-2.5-3 घंटे बागी गुरु बैठा है ते हुण वह पठान दे नाल ही तुर गया है। असीं पुछ के आए हाँ इसलिए अंदर जा
ते मालिक नू बाहर लिया। अच बाबी गुरु फड़िया जावेगा। फड़ा देण वाले नू हकूमत बहुत ही फजीलत रुतबे रैंक लकब टाइटल खताब देवेगी। जाओ लियाओ आका अपनी जगह होर किसी नू खड़ा करके आप नू दसन वास्ते आया। खुदा घर आया मुसीबत भी नाल ही आ गई। वसल दियां घड़ियां दूरी बिच बदल लगियां ने। पठान तो इसलिए ले आया सी कि मेरे पथेरियां ने थोड़ा आदर नहीं किया ते मेरे खानदान के मस्तक उत्ते दाग लगा है मस्करी का ते मैं उसनू धोवांगा थोड़ी बहुत खिदमत गुजारी करके। पर ये की जाने पथेरियां का वो मलाप काफ़ी अच्छा सी। पट्ठे ते बिठा देना काफ़ी अच्छा सी। कर ले आना इंतहा दर्जे की गुस्ताखी हुई है ते मुसीबत का कारण बनया है। एकदम पठान दियां अखां सामने नेरे विच नवा नेरा आ गया। सोचन लगा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे पीर दे पीर इत्थों गिरफ्तार हो गए। कदी कौमां दे संजोग नहीं बन सकणगे। मुसीबतां पै जाणगियां मेरे घर मेरे खानदान दे मस्तक उत्ते एक दाग लग जाएगा। करां ते की करां। मैं उन्हां नूं बहुत सारी माया दे के तोर देवांगा। माया बड़े बड़े अड़के कढ देंदी है। बाणी गुरु जी तेल तमा जां को मिले तुरत नरम हो जाए। मैं उन्होंने सामने ढेर ला देवांगा। मैं अपने मित्र दे अपने मुर्शिद दे गुरु गोबिंद सिंह दे अफजाने अंदर सोना तोल देवांगा। मैं इस दे अफजाने अंदर अपने सुख आराम वार देवांगा। पर मैं किसी कीमत उत्ते इन्हों गिरफ्तार नहीं करा सकांगा। ये सोचता ही सोचता सी कि पठान ने दे कोल एक होर बंदा आया। गड़ी नू घेरा पै रहा है। कहिंदे ने पठान नू बाहर लियाओ सरदार नू बाहर बुलाओ उहदे नाल गल करनी है। पठान ने कहा उन्हां नू रोको मैं हुणे ही आंदा। तिन्ने जी करदे फिर मुड़दे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने मालिक की रजा विच बैठे हुए ने। पठान की उड़ीक विच बैठे हुए ने। मैं इजाजत लवा परे नू आंदियां देर हो गई। गुरु साहब जी अंतरजामी ने इन्होंने पहला कहा सी मैनू घर नाल जा अज मेरी इमदाद करने अपने सुखां नू घरों कढ़न वाली गल। मैं तेरे घर जावांगा तेरे आराम ते खुशहालियां घरों निकल जावणगियां। पर इन्हां तिन्हां ने जाके बड़ी छेती एक फैसला किया। घरवाली ने सिर चुका दिता। खाविंद इस दलील के सामने सिर चुका दिता। उन्हें कहा देर नहीं होनी चाहिए इस फैसले नूं साकार करने लिए। तिन्ने जी फिर उठते हौली देनी मेहमान खाने के बूहे ते दस्तक दे के दरवाज़ा खोलिया। सतगुरा ने अपने दस्ते मुबारक नाल दरवाज़ा खोलिया। पठान मित्र इसके घरवाली रफीका हयात ते इन्हां दी दुख्तरे नेक अख्तर दोशीजा कंवारी लड़की मुमताज़ बेगम तिन्ने ही अंदर दाखिल होंदे। दरवाज़ा बंद है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पठान मित्र मेरे यार दे दोस्त मैं मशहूर हाँ इस वेले तू मैनू मेहमानी वास्ते इन्ना समा दिता है। मैं तो मेरे घोड़े ने दम ले लिया है। आशा है उन्होंने निहारी मिल गई होवेगी। मैनू आराम मिल गया है। हुण मर्दा ते घोड़े घोड़ियां नू अपनी राह पैना चाहिदा है। तू हुण सानू इजाजत दे। पठान दे नैन छलक आए सन। छाती विच दिल तड़फ उठिया सी ते आखन लगा मालिक गुजारिश है गढ़ी नू घेड़ा पै रहा है। पंज घोड़ सवार गढ़ी दे बूहे अगे चक्कर लगा रहे ने। पठे नू घेरा पै गया है। कुलियां च रहण वाले पथेरे फड़े गए ने। नाज़मे सरहंद दी फौज आई के आई। पठान मित्र गुरु साहब जी खड़े हो गए। कमान मोंडे च पाते ने तलवार गल विच लटकाते ने लालियां चढ़ गई ने। पठान ने कहा मुसीबत नेड़े तो नेड़े आ गई है। गुरु साहब जी मुस्कुराते ने गुलदस्ता मेरे महबूब दे नैन चमक उठते ने। महाराज मुसीबत आई है ते नेड़े आ गई है घर विच आ गई है। तुसां मुस्कुराते पए हो। पठान की लड़की बड़े गौर नाल वेख रही है।
दुनिया का कोई वड्डे तो वड्डा सिपा सालार सालारे आजम इस हालत मुस्का नहीं सकता। जरूर यह रब है, मेरे अब्बे ने कहा सी रब साढ़े घर आया, ये रब ही है जिहड़ा मुसीबत नेड़े आ गई तो भी घबरांदा नहीं। पठान पठान पूछने लगा तुसी मुस्कांदे हो, मैं हैरत दा शिकार होया। गुरु साहब जी ने जिहड़ी गल आखी उहदा तर्जमा इदां किसी ने उर्दू विच कीता है, एक शेर दे के, नासाजगार वक्त के आलम को देख कर, हाँ नासाजगार वक्त के तेवर को देख कर, तेवर मैंने त्यूड़िया, वक्त दियां त्यूड़ियां वेख के अपने विरुद्ध, नासाजगार वक्त के तेवर को देख कर हमने चिराग अजम की लो को बढ़ा दिया। ये हालात ने असी इरादे पक्के कर लेने, मुसीबत चाहती है उम्मीद का सूरज उम्मीद का चिराग बुझा देना ते असी अजम का तेल विच पा दिता है। नासाजगार वक्त के तेवर को देख कर हमने चिराग अजम की लो को बढ़ा दिया। पठान खुश आमदीद कहन वाला हैरान है। गुरु साहब जी कहते ने इजाजत, वो भी वक्त याद रहेगा आ भी वक्त याद रहेगा। कहते ने उस वेले पठान ते इसके घरवाली बूहों बहर होंगे ने, बेटी की कंड उत्ते हथ धरके, एक बन्ने माँ ने एक बन्ने पिता ने हथ धरके दोह अगे होके पुत्री के केश सूंघे वाल सूंघे मथे उत्ते प्यार दे बोसे दिते ते प्यार दे के आखन लगे, बेटा अदबां विच रहना है सन्मान विच रहना है मेहमान दे सन्मान विच रहना है। खुदा भी इहदा सन्मान करता है, यह खुदा का बेटा है, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, यह खुदा का पुत्र है, मेहमान दे अदब विच रहना है। बाबल वल तकिया वालदा वल तकिया, इन्हां दोहां दी तकनी ने मुमताज दी तकनी मेहमान दे कदमां वल करा दित्ती, इन्हें अखां दे नाल नाल ही सजदा कर दिता। ज़हे नसीब प्यो ते मां कमरे तो बाहर सन, बच्ची नूं प्यार मिल चुका सी, इदां दा प्यार जिवें अलविदाई वक्त उत्ते डोली चाढ़ के दिंदे ने बाबल ते अमड़ी किसे धी नूं सहुरे घर टोरन लग्या प्यार, ऐसा प्यार उस दे चुके सन अलविदाई प्यार। दरवाज़ा बंद है, पठान बाहर जाता है, पठान बाहर जाता है, पर जद रहे कमरे चो निकलण वालिया मियाँ बीवी ने हथ जोड़ के अदब विच चुक के दूरे होके चौरे होके चौखनिया होके सौखनिया होके बिंद बिंद चुक चुक होके आखिया सी, जदों लोड़ पई साडी बच्ची ही सानू जवाब देवेगी। किसी गल का उत्तर लेना होया असां तां साडी धी ही सानू जवाब देवेगी। सरकार आराम विच रहना, खेचल नहीं करनी, तुसां ना बोलना, कोई जरूरत पई तां साडी दुखतर मुमताज सानू जवाब दे देगी। आराम फरमाओ मालिक आराम फरमाओ, यूं कह के बाहर निकले सन। पठान डेड़ी ते जांदा है, बड़ी देर लगी है सरदार जी थानू, हकूमत दे नशे अंदर एक और सवार इन्हां दे इंस्पेक्टर ने आख्या, हाँ मैं हुणे ही बाहर तो आया सां ते आराम विच सां, तुसां कोई मैनू खिदमत दसो, सिपाही भरावो खिदमत दसो। खिदमत तां इह है साडी खिदमत नहीं, मजहब दी खिदमत, अमन की खिदमत, देश की खिदमत, महीउद्दीन आलमगीर औरंगजेब की खिदमत, दिल्ली दरबार की खिदमत, नाजम सरहंद की खिदमत है। क्या क्या खिदमत पठान? सिपाहियां आख्या कोसवार है यही कि बागी गुरु थोड़े घर विच आया है, खबर मिल चुकी है ते तुसा उसनु बार कर दियो, असा उसनु गिरफ्तार करके सरहंद ते फिर दिल्ली पहुँचाना है, जींदा फड़ना है। थोड़े लिए बड़ा चांस है, सुनहरी चांस। पठान खामोश, खामोशी तो बाद आखन लगा, कोई बागी मेरे घर नहीं आया, कोई बदमनी फैलाउन वाला मेरे घर नहीं आया, कोई हुकूमत का विरोधी मेरे घर नहीं आया, कोई इस्लाम का विरोधी मेरे घर नहीं आया। तो इसका यह मतलब होगा घोड़सवार ते उन्हां दा आगू, इसका यह मतलब होगा कि जो गल असी नहीं करनी चाहते वह करनी पवेगी। क्या पठान? क्या यही कि सरकारे दरबारे थोड़ा बड़ा रसूख है, इज्जत है, आबरू है, तो असी नहीं चाहते वह कम करिए,
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ, ਛੱਤਾਂ, ਤਹਿਖਾਨੇ, ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਸਭ ਫਰੋਲੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਠਾਨ ਦੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਪਠਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਕੱਲ ਅੰਦਰ, ਕੁੰਜੇ ਤਨਿਹਾਈ ਅੰਦਰ, ਇਕਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰ, ਜੱਗ ਦੇ ਡਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਮ ਨਸੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਡਰ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੌਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰ ਹੈ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੋ ਮੌਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਆਪ? ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖੀ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਡੋਰੀ ਹਾਂ।
Oh,
जिया पिंड सब तेरी रास, तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख मेरे, हम बारक ता सरनाई कबिया पे ताप के हाथ गड़ा दिया।
होई सर्व कल्याण राय स्वामी।